अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आईफोन जो कंपनी है उन्होंने ऐप स्टोर के बारे में एक अपडेट देने जा रहे हैं। उन्होंने एक अपडेट इस नाम से दी है साइड लोडिंग, जिसका नाम है। इस साइड लोडिंग में ये होगा कोई भी थर्ड पार्टी ऐप हम इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर इसमें शर्त ये रख दी गई है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ यूरोप वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरोप में इस थर्ड पार्टी को अलाउ किया जाएगा, जबकि दूसरे ममालिक हैं कोई भी है उसमें इस चीज़ को अलाउ नहीं किया। ये थोड़ी ही देर में या थोड़े ही दिनों में इसकी अपडेट आ जाएगी ऐप स्टोर की, जो दुनिया में दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक ऐप स्टोर यूरोप में इस्तेमाल होगा और बाकी वही ऐप स्टोर इस्तेमाल होगा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी है ममालिक यूरोप के अलावा, उसमें ऐप स्टोर वही इस्तेमाल होगा। जबकि यूरोप में दो ऐप स्टोर इस्तेमाल होंगे, एक थर्ड पार्टी वाला साइड लोडिंग वाला, एक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो वाला। चले आपको एक मरतबा स्क्रीन पर ले जाता हूँ। जिस तरह ये देख रहे हैं आज की खबर है, ऐप फ्रॉम आउटसाइड द iOS ऐप स्टोर आप प्रोसेस नाउ एज साइड लोडिंग एप्पल इज येट टू रिवील हाउ एक्जैक्टली इट विल कम्प्ले विद दी। इन्होंने यहाँ बताया कि थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ आप देखें साइड लोडिंग कमिंग टू iOS यूज़र इन दी EU, यानी जो यूरोप में इस्तेमाल होगी ये सिर्फ। अभी उन्होंने थर्ड पार्टी पे इस चीज़ के लिए काम करना है और अपडेट देनी है, जिससे यूरोप वालों को काफ़ी आसानी हो जाएगी इस्तेमाल करने में आईफोन, क्योंकि कोई भी आईफोन थर्ड पार्टी को ऐप को डाउनलोड कर ही नहीं सकता, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें डाउनलोड करनी होती हैं वो डाउनलोड होती नहीं है। आज की वीडियो गाइस इतनी थी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।